हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एरिका पाम के कटिंग को कैसे लगाया जाता है देसी तरीके से। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम पॉट से मिट्टी को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, संभाल कर निकाल लेंगे और देखें कि इसका जो जड़ है वो कटे ना, और अच्छी तरीके से आप मिट्टी को निकालें संभाल कर। जब तक हम मिट्टी को निकाल रहे हैं तब तक हम इसके पत्ते को किसी अच्छे औजार के सहायता से काट लेंगे। अच्छी तरीके से देखना कि उसमें कोई जंग ना लगा रहे औजार में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से निकाल लिया। निकालने के बाद आप इसका ये जो जड़ है, जड़ को अच्छी तरीके से धुल लें और साइड में जो ये दिख रहा है उसको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में आप इसमें एलोवेरा का जेल ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अब हम लोग इसके मिट्टी को तैयार करेंगे, और तैयार करने का जो तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिट्टी तैयार करने के बाद हम अपने एरिका पाम को पॉट में लगाएंगे और इसमें हल्के हल्के हाथों से जो अपना मिट्टी तैयार किए हैं डालेंगे, और डालने के बाद में जहाँ पर 2-3 घंटे के लिए धूप आता है वहाँ पर आप इसको रखें और हफ्ते में एक बार पानी ज़रूर डालें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एरिका पाम को लगाने का देसी तरीका आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और हमने 2 पॉट अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। पहला वाला पॉट हमने रख दिया है, दूसरे को तैयार करके रखें।
ऐसा वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।